हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में आई दो नई डीसी रेट भर्ती, जिनके लिए योग्यता 12वीं पास है और इनकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन भर्तियों के बारे में जानने के लिए तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो डीसी रेट भर्तियों के बारे में हो या एचएसएससी या एचपीएससी की भर्तियों के बारे में हो या किसी भी ज़िले की ऑनलाइन या ऑफलाइन भर्ती के बारे में हो। जैसे ही हमें भर्तियों से रिलेटेड कोई नया अपडेट मिलता है, हम तुरंत वीडियो बनाकर जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसे अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं और आपने अभी तक डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, दो अलग अलग भर्तियों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए आप देखते हैं पहली भर्ती के बारे में। ये भर्ती चकबंदी विभाग हरियाणा पंचकूला के अंदर आई है और इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2021 है। कलरक के पदों पर ये भर्ती है। पुरुष और महिला कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए एज 18 से 42 वर्ष मांगी गई है। वेतन की बात करें तो वेतन डीसी रेट के अनुसार होगा और योग्यता इसके लिए 12वीं पास तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 30 व हिंदी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना जरूरी है और इसके लिए आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2021 से इसकी आयु की गणना की जाएगी और निःशुल्क भर्ती है साथियों। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। इसके लिए अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन भेजने के एड्रेस की बात करें तो एड्रेस है कार्यालय निदेशक चकबंदी हरियाणा, बैज संख्या 2526 सेक्टर 4 पंचकूला, पिन कोड है 134112। इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना आवेदन भेजना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो देख लेते हैं। शैक्षिक व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित वर्ग हो तो, एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा, कंप्यूटर प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास कोई अनुभव हो तो। इसके अलावा भी अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी भर्ती के बारे में। दूसरी भर्ती PGIMER चंडीगढ़ के अंदर आई है। लैब अटेंडेंट के पदों पर ये भर्ती है और 30 मार्च 2021 इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 वर्ष दिया गया है न्यूनतम एज का और वेतनमान नियमानुसार बताया गया है और योग्यता साथियों इसकी 12वीं पास रखी गई है। पुरुष व महिला कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। इस भर्ती के लिए भी अगर आपको आवेदन करना है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भेजने का एड्रेस देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया हाईलाइट करके, इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना आवेदन भेजना है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं वो देख लेते हैं। शैक्षिक व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि हेतु शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित वर्ग से हो तो, और एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा और अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी यदि आपके पास है तो। और इसमें इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेटों को ईमेल या मोबाइल के द्वारा सूचना दी जाएगी। और अगर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।